क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक भुजा, एक भुजा तो लिखेंगे। ऐसे पढ़ाते हैं हमारे बॉबी सर क्लास। एक भुजा बराबर, अब एक भुजा बराबर हमको परिमाप अगर देना है जी, तो एक भुजा का सूत्र क्या होगा? परिमाप बटे 4 जी देंगे, परिमाप बटे 4 जी। अब परिमाप हमको मालूम है 144 सीएम है, अब बटे 4, अब हमको 4 से इसको काट देंगे, काट देंगे तो फिर होगा 3 × 12 तो 24, 24 को 4 से भागा था तो 36 सेंटीमीटर हो गया हमको एक भुजा जी। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल जी, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर जी, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, सूत्र होता है, तो भुजा 36 है यानी 36 स्क्वायर जी, 36 का स्क्वायर होता है 1296 जी जी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है विकर्ण जी, विकर्ण निकालिए, विकर्ण बराबर √2 × भुजा जी। अब तो लिखेगा √2 × भुजा, आपको कितना मालूम है? 36 बराबर 36√2 सेंटीमीटर। क्या बात है, अब आप देख रहे हैं दर्शकों, भुजा, एक भुजा का जो है उन्होंने आंसर निकाला है 36 cm। दूसरा क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना है? 1296 जो है सीएम है। उसके बाद विकर्ण जो है उसका जो है कितना है? 36√2 कितना लिखा है आपने? ओके सेंटीमीटर, 36√2 सेंटीमीटर जो है आपने ये निकाल लिया है इन्होंने, आप देख रहे हैं। और बच्चों का थोड़ा सा मिलाना चाहेंगे, आप दिखाओ, इधर दिखाइए। ओके, आपने क्षेत्रफल नीचे ये देख रही है, बच्चे भी जो है सॉल्व कर दिए हैं, सारे बच्चों का आंसर देख सकते हैं। पीछे से भी दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए सारे बच्चे, अब ये समझ लीजिए टीचर टैलेंटेड है, साथ ही साथ बच्चे भी टैलेंटेड है, कि जब तक शिक्षक यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं तब तक बच्चे भी आंसर जो है वो निकाल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये लड़का को अगर आगे बढ़ाया जाए, सोनू कुमार जो है LN कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोटा, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, इनको अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे विद्वान गणितज्ञ से इनको अगर शिक्षा दिलाया जाए, तो ये मात्र 10 से 15 वर्ष की उम्र तक होते हुए जो है अच्छा से ये हो सकता है कि ये इंजीनियरिंग पास कर ले या IAS UPSC की तैयारी कर ले, या हो सकता है आर्यभट्ट की तरह ये भी गणित में कुछ ना कुछ अविष्कार कर दे या कुछ ना कुछ खोज कर दे जो अभी तक भारत में नहीं हुआ है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा बॉबी सर, आप क्या बनना चाहते हैं? वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ये जो सारा ज्ञान आपके अंदर गणित को लेकर भरा हुआ है, वो ज्ञान कहाँ से आया आपके अंदर? मम्मी और पापा पढ़ाते हैं। मम्मी और पापा पढ़ाते हैं। चलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और गणित के सवाल हो जाए, तो सिर्फ एक ही है, थोड़ा सा ये बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² चीज बताइए, आपको स्क्वायर पता है ना? स्क्वायर कितना? कितना? 50 तक। छोटा सा बच्चा, 50 से इनका हाइट भी नहीं है ना ही 50 उम्र है, लेकिन इनको जो है 50 का स्क्वायर पता है। आप हमें बताइए 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। बाप रे, हमको भी नहीं पता था। और आप थोड़ा सा ये बताइए 31 का? 31 का 961। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं। 13 का 13 26 53 40 53 54 53 93 94 103 107 103 जी। चलिए ये तो मैथ के सवाल हो गए, थोड़ा सा और सवाल पूछना चाहेंगे, भारत में कितने राज्य हैं? राज्य 28 है। और बिहार की राजधानी? पटना। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले? 38 38 जिले हैं। आप किस जिले में रहते हैं? हाँ, पटना। पटना जिला में रहते हैं। पटना का जो है, आप ये बताइए अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे बिहार के कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। कितना बार बन चुके हैं नीतीश मुख्यमंत्री? 8 बार बने हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है कैसे पढ़ते हैं, कितना सारा चीज आपको पता है? उनको मम्मी पढ़ाती है। मम्मी पढ़ाती हैं, और कौन पढ़ाता है? पापा और टीचर। पापा और टीचर पढ़ाते हैं। तो आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? जब आप खुद तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप? कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमको बताइए दर्शकों को। 3 से 7 तक किले और 10 तक थोड़ा थोड़ा। मतलब कि 3 से 7 तक पूरा मैथ में कोई भी सवाल पूछ दीजिए जवाब दे देते हैं, और 10th तक?
टेंथ को थोड़ा 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 पढ़ा देते हैं, ये भी काफी बड़ी बात है। हम लोग टेंथ क्लास में गए तो ट्रिगोनोमेट्री परिमेय पता था, और ये जो है तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं और इनको सारा चीज जो है पता है। ऐसा भी है कि आपने पापा पे कुछ कविता वगैरह भी लिखा है जी, थोड़ा सुना दीजिए। पापा पे जो कविता लिखा है मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक पिता क्या होता है। वो अपने पसीने बेचकर, तुम्हें हर खुशी से नवा देगा, अपनी जिंदगी बेरंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग घोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें रेनकोट पहना के खुद बारिश में घींगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। ये देख लीजिए, ये बच्चे इतने खुश है गए। एक पिता जो होता है वो कुछ नहीं पूछता है, अपने बच्चों के भरण पोषण के साथ जो ख्वाहिशें है वो पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉबी सर है, जिनके ख्वाहिश पूरा करने के लिए इनके माता पिता लगे हुए हैं और वो कोचिंग सेंटर खोले हुए पूरे इनके नाम से, बॉबी पब्लिक स्कूल। जब आप गूगल मैप खोलिएगा तो बॉबी पब्लिक स्कूल आपको मैप पर दिख जाएगा, और वो इनके ही नाम से जो है वो चलता है। बॉबी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है अपना आदर्श किनको मानते हैं? मम्मी और पापा और दोनों। मम्मी पापा को, और सबसे ज्यादा पसंद कौन है? खान सर को आप कैसे जानते हैं? लोग बोलता है कि आप खान सर के चीजों ज्यादा जानते हैं, कैसे उनको जानते हैं? वीडियो में देखे थे तब हमको पता चला। वीडियो में देखे हैं? खान सर से मिले हैं कि नहीं अभी? नहीं। मिलना चाहेंगे? और किन से मिल चुके? मनीष के सब्जी से मिले हैं? नहीं मिले हैं। और किन से मिले हैं? सोनू सूद से मिले हैं। कैसा लगा सोनू सूद से मिलकर? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। आगे कहाँ तक आपका जाने का उद्देश्य है? वैज्ञानिक बनना है। वैज्ञानिक आखिर क्यों ख्वाब आया कि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्योंकि सोनू इंजीनियर की चाहत लेकर गया था खान सर के पास। हाँ। तो खान सर ने कहा कि लक्ष्य सीमित नहीं रखती, तुम इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हो, इंजीनियर से बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों नहीं बन जाते हैं? क्या बात, इंजीनियर से बड़ा इसलिए साइंटिस्ट बनना बड़ी बात है जी। एक मोटिवेशनल आप एक कविता भी बोलते हैं, वो कौन सी कविता है? पसीने वाला, मेहनत वाला। लहरों से डर के नाव का कभी पार नहीं होता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही कविता है। और मैं चाहूंगा इस कविता को पूरा करना। लहरों से डर कर नाव का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर खाली हाथ लौट के आते हैं। मिलते नहीं शहद ही मोती उनको गहरे पानी में, आखिर उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिट्टियां जब दीवार पर चढ़ती है, चढ़ चढ़ के फिसलती है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में जब आप कोशिश करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य ऐसा चीज है जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अगर ठान ले तो आप उसे पा जाते हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप बॉबी सर? यही कहेंगे कि अगर वो पढ़ उनको अगर अभी से ही पढ़ाई में मन लगाए तो तेज बनेंगे, और थोड़ा अभी जितने अभी बराबर 10 क्लास तक जाने तब मेहनत करें, तब तो शायद उनका कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब कि छोटे उम्र से ही अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। तो अब आप समझ सकते हैं, हमारे साथ बॉबी सर हैं जो खान सर के बड़े फैन है, यू कहे तो जूनियर खान सर इनको कहा जा सकता है, जो मनीष कश्यप और सोनू सूद के भी बहुत आदर्श मानते हैं, और यू कहे तो बिहार के ये दूसरे आर्यभट्ट के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि इनका जो मैथमेटिक्स को लेकर ज्ञान है वो काफी बढ़ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। क्या नाम है बाबू? अनु भारती। कब से पढ़ रही है बॉबी सर के पास आप? 2018 से पढ़ रही है। हाँ, हम जब से वहाँ बनारस आए तब से हम यहीं पे पढ़। सर जी आपके सामने है, किससे पढ़ाते हैं आपको?
कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। समझ आता है कि नहीं? आता है आता है। अब आप समझ लीजिए, आपसे छोटे उम्र का बच्चा आपको पढ़ा रहा है तो वो भी अच्छा है। अच्छा बात है। क्या नाम है बाबू? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी सर से पढ़ती है ना? हाँ। अगर कोई सवाल वाल पूछती है तो वो मारते नहीं ना सवाल वाल पूछने पे? नहीं। नहीं आता है तो? नहीं आता तो पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी जी, ये बताइए आपके छोटे उम्र के सर जी हैं, आपको पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? क्या कहेंगे हम भी जी। अब आप समझ सकते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सर के पास पढ़ रहे हैं और सर भी खुद छोटे हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी गर्व की बात है कि बिहार, जिस बिहार को लोग मतलब कि कुछ ना कुछ बोल के ताने देते हैं, ये वही बिहार है जो बिहार आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों को जो है दिया, गणितज्ञ को दिया, और ये वही बिहार है जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में ज्ञान का भंडार भरा है जो धीरे धीरे एक एक करके जो है बाहर निकलते हैं और निकलकर पूरे विश्व में जो है बिहार का नाम रोशन करता है। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।